हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ जी बाय एक्सेल वर्ल्ड। देखिए बच्चों, टुडे वी डिस्कस द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव। देखिए बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जो होता है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन निकालने के लिए काम आता है। अब डिफरेंशिएशन मेथड है, इस मेथड का यूज बेसिकली क्या है, लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका जो फॉर्मूला है, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए बच्चों, लर्न होना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है बच्चों, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या होता है बच्चों, एच होता है। इस फॉर्मूले के यूज से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कोस एक्स है, फंक्शन क्या है हमारा, कोस एक्स है। फर्दर देखेंगे बच्चों, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, x इधर क्या रखेंगे, x प्लस एच, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x प्लस एच। f ऑफ x क्या बच्चों, cos x है, तो क्या आ जाएगा, cos x अपॉन में क्या है बच्चों, h है। फिर देखिए बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वो cos c माइनस cos d है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन c प्लस d बाय टू c माइनस d बाय टू, ये होता है फॉर्मूला, x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू डिवाइड बाय क्या है, एच है बच्चों। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस टू साइन साइन एक्स प्लस एच बाय टू, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एच बाय टू। अब देखिए बच्चों, यहाँ एच तो है, इस टू को मैं क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके नीचे ला सकता हूँ। जैसे मैं लेके आता हूँ तो सैंडविच के टर्म से हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, फिर हम लिमिट पुट कर देंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा हमको, साइन एक्स और एच क्या हो जाएगा हमारा, जीरो बाय टू, और फाइनल हमको आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स।